तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे कंपनी को लेकर के जो कि कंपनी प्रोडक्ट इनका प्लास्टिक प्रोडक्ट कंपनी काम करती है प्लास्टिक प्रोडक्ट सेक्टर में, और ये स्टॉक NSE BSE में लिस्टेड है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो आप देख सकते हो मिड कैप में कन्वर्ट हो चुकी है ये स्टॉक, और 11,898 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। करंट प्राइस चल रहा है 192 का, हाई बना चुका 260 का, लो है 145 रुपये का। दोस्तों बता दें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया अप स्टॉक और रेंजर वन का, किनका अप स्टॉक और रेंजर वन का। अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट हो तो जाइए एक और ओपन कीजिए, क्योंकि देखो कम से कम दो डीमैट अकाउंट होना चाहिए अपने पास, एक लॉन्ग टर्म के लिए एक शॉर्ट टर्म के लिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, लोग ना लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को बाई किए रहते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या होता है, करेक्शन वो दिखलाता है तो वो सेल कर देते हैं। और तो जिस स्टॉक के अंदर एंट्री लेते हैं ना, वो कंपनी भागती रहती है, बट क्या होता है कि वो लॉस दिखला देती है। दोस्तों जो भी लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए रहने दीजिए। स्पेशल दो अकाउंट अगर रहेंगे डीमैट अकाउंट तो आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला। शॉर्ट टर्म मतलब लॉन्ग टर्म वाले को बार बार देखना नहीं होता है, शॉर्ट टर्म वाले को के ऊपर नज़रें बना करके रखनी होती है। तो दो अकाउंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जाइए हमारे लिंक के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। आप स्टॉक और एंजल वन दोनों का लिंक दिया गया है। तो अगर हम लोग मार्केट कैप की बात करें तो इस मिड कैप स्टॉक बोल सकते हैं, 11,898 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस चल रहा है 192 का, लो लगा चुका 145 का, हाई लगाया है 260 रुपये का। और स्टॉक पी के हिसाब से ये स्टॉक थोड़ा सा महंगा बोल सकते हैं, मतलब अपने महंगे सस्ते वाले प्राइस से थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रहा है, 7 पॉइंट ऊपर। बुक वैल्यू 89 रुपये की। कंपनी डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करती है 0.78% का। ROC है 6%, ROE है 4%, फेस वैल्यू 2 रुपये की है। प्रमोटर के पास 52% की होल्डिंग है। डेप्ट इक्विटी रेशियो 0.11, मतलब बहुत कम कर्ज है कंपनी के पास। डेप्ट इक्विटी रेशियो के हिसाब से एनुअली प्रॉफिट 237 करोड़ है। डेप्ट है 605 करोड़ का। रिटर्न ऑन इक्विटी 4% है। इंडस्ट्रीज पी है 36 और EPS है 7 रुपये की। फ्री कैश फ्लो 134 करोड़ है कंपनी के पास। अगर प्लस परसेंटेज की बात करें बिल्कुल जीरो है, यानी कंपनी के प्रमोटर की तरफ से 1% की होल्डिंग फिर भी नहीं रखा गया। आइए हम लोग चलते हैं कहाँ क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ। तो देख सकते हैं कंपनी हैज बीन मेंटेन हेल्थी डिविडेंड पे आउट। तो हम देख सकते हैं कंपनी हैज बीन मेंटेन हेल्थी डिविडेंड पे आउट। 32% का कंपनी हेल्थी डिविडेंड पे आउट कर रही है, तो अच्छा खासा डिविडेंड भी कंपनी पे आउट करती है। अगर हम लोग बात कर लें क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो सितंबर वाले क्वार्टर में कंपनी 103 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लाई है। वहीं जून में 152 करोड़ का लाए है, लेकिन पिछले सितंबर की बात करें तो 143 करोड़ का लॉस लाई थी कंपनी। तो उसके अपेक्षा तो बहुत ही बेटर रिजल्ट है अभी इस वाले सितंबर व जून में। पिछले जून में 126 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, अभी 152 करोड़ का है। तो मतलब करंटली जो सिचुएशन मतलब जो चल रही है स्थिति ना, बहुत ही बेटर चल रही है। क्वार्टर वाइज अच्छा परफॉर्मेंस करके चल रही कंपनी। नेट प्रॉफिट 126 करोड़ का आया हुआ है कंपनी के पास, और पिछले साल 129 करोड़ का लॉस था, नेगेटिव में थी। और जून में 149 करोड़ का प्रॉफिट है, पिछले जून में 118 करोड़ का था। तो कहीं ना कहीं कंपनी क्वार्टर वाइज लाजवाब परफॉर्मेंस करके चल रही है। आते हैं हम लोग कहाँ पे, सॉरी दोस्तों, ये प्रॉफिट जो आप देखे हो ना, ये बिफोर टैक्स वाला है। नेट प्रॉफिट 94 करोड़ का लाई है कंपनी, पिछले साल 94 करोड़ का लॉस में थी, इसलिए प्रॉफिट है। जून वाले क्वार्टर का रिजल्ट ये 111 करोड़ का नेट प्रॉफिट, पिछले साल 100 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो कहीं ना कहीं पिछले साल के कंपेयर अच्छा रिजल्ट लेकर के आइए। देखो हम पहले देख लिए क्या बिफोर टैक्स वाला कॉलम, बट अभी नेट प्रॉफिट नीचे था। तो आपने देखा क्वार्टर वाइज काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करके चल रही कंपनी। अब ईयरली वाइज बात किया जाए क्या परफॉर्मेंस कंपनी की ईयरली बेसिस, तो TTM में देखेंगे 565 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट शो कर अभी करंटली। 2023 में 223 करोड़ 93 करोड़ का था, लेकिन 2022 में 1025 करोड़ का था। तो कंपनी की परफॉर्मेंस क्या हुई थी, डाउन हुई थी 2023 में, फिर अभी बढ़ते हुए दिख रही है हमें, तो ग्रोथ करती हुई दिख रही है। और इससे पहले 2023 के पहले हर साल एक नया हाई बना रही थी कंपनी,
बहुत अच्छा रिजल्ट ला रही थी, कोरोना काल में भी अच्छा रिजल्ट लाई है, ख़राब नहीं है। 2020 में सिर्फ जब कोरोना काल का पहला साल जो था उसी समय थोड़ा सा रजिस्टर हुई थी, बाकी ऑल टाइम इनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। 2023 में सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये, बट नेट प्रॉफिट भी आते हैं। अब नेट प्रॉफिट चेकआउट कर लें तो 435 करोड़ का नेट प्रॉफिट शो कर रहा है TTM में। 2023 में 237, 2022 में 1053, 2021 में 728, 2020 में 324। कंपनी क्वार्टरली ईयरली बेसिस पर लाजवाब परफॉर्मेंस कर रही थी। 2023 में आकर के इनको डिस्टर्बेंस हुई, जो भी हुआ हो इनकी प्रॉफिट गिर गई, और जिस वजह से कंपनी उतना अच्छा रिटर्न लोगों को नहीं बना करके दे पाई होगी। खैर ये टेक्निकल की बात है, टेक्निकल पर हम लोग चलेंगे तब सारी चीज़ों की क्लियरिटी होगी। अभी करंटली अच्छा परफॉर्मेंस करके चल रही है और कंपनी आपको ना बहुत अच्छा डिविडेंड पे आउट करती रहती है, कभी 24, कभी 39, कभी 34, कभी 38, कभी 35, इस प्रकार से कंपनी डिविडेंड पे आउट करती रहती है। अगर कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की हम लोग बात करें, TTM में 9% है, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 13% है, स्टॉक प्राइस ईयर की बात करें 32% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 5%। ये लास्ट 12 महीने का है और 12 महीने के अंदर सेल्स ग्रोथ डाउन दिखला रहा है और कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 13% है, ये इंक्रीज हुआ है, निगेटिव में था 5 साल में। और बाकी सारी चीज़ परफेक्ट है, बस सेल्स डाउन 9% दिखला रहा है। अगर हम लोग बैलेंस शीट चेकआउट कर ले कंपनी की तो देख सकते हैं इनके पास जो रिजर्व है ना हर साल इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है हमें, और वहीं कर्ज की बात करें तो कंपनी का कर्ज भी इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 2021 में 204 करोड़ का कर्ज था, वही कर्ज इंक्रीज होकर के 278 हुआ, अभी 541, 2023 में और सितंबर 2023 में 605, तो कर्ज इंक्रीज हो रहा है, बट उसके साथ साथ कंपनी की प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रही है। और कंपनी के पास जो भी कर्ज है ना अभी करंटली डेट टू इक्विटी रेशियो के हिसाब से बहुत ज़्यादा कर्ज नहीं है, कम कर्ज है, बहुत कम कर्ज है कंपनी के पास मार्केट कैप के अकॉर्डिंग या फिर डेप्टू इक्विटी रेशियो के हिसाब से। अगर अब कैश फ्लो की हम लोग बात करें, 302 करोड़ का कैश फ्लो है, नेट कैश फ्लो नेगेटिव है। और आते हैं हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ, तो 52% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, 6% की होल्डिंग है FIs के पास, 12% की होल्डिंग DIs के पास। देखो FIs और DIs दोनों की होल्डिंग इंक्रीज हुई सितंबर वाले क्वार्टर में, पब्लिक मात्र 28% की होल्डिंग। पब्लिक अंदर क्या इंडिविजुअल्स की होल्डिंग है एक बार हम लोग चेकआउट करते हैं, और तो उससे पहले बता दें दोस्तों अभी तो ओपन हो रहा है, ठीक है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाया जा रहा है, ना कि बाय और सेल करने के लिए। अगर आप बाय और सेल करते हैं तो आप अपने रिस्क पर बाय और सेल करके चल सकते हैं, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर बाय और सेल कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं टेक्निकल में, पहले स्टॉक का नाम जान ले तो देख सकते हैं कि इंडिविजुअल्स की होल्डिंग है इस स्टॉक के अंदर कुछ परसेंट, बहुत ज़्यादा नहीं, अभी ये 3.26% की होल्डिंग है, 1.54, 1.21, ये होल्डिंग इंडिविजुअल्स की है। और ये इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के पास भी 1.54% की होल्डिंग है। तो इस स्टॉक का ना देखो FIs DIs दोनों की होल्डिंग भर भर के है, तो ये सब एक्सपर्ट होते हैं, रिसर्च करते हैं या कौन सा स्टॉक ना कौन दमदार रिटर्न बना करके देने वाला है। इस स्टॉक का नाम फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और इज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग PVC राइजिंग एंड द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स इन इंडिया। द कंपनी ऑफर द लेटेस्ट रेंज ऑफ सुपीरियर क्वालिटी एंड ड्यूरेबल PVC यू पाइप एंड फिटिंग यूज इन एग्रीकल्चर्स कंस्ट्रक्शंस एंड इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस। इट्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ टू मेजर डिविजन्स PVC राइजंस और PVC पाइप एंड फिटिंग्स। तो इन चीज़ों पर कंपनी कामकाज कर रही है, क्या PVC जो पाइप्स होती हैं उस पर कंपनी कामकाज कर रही है। तो ये है कंपनी की वेबसाइट, डेफिनेटली अगर आपको समझ में आए जो भी कंपनी ना उसको उनकी वेबसाइट को विजिट करके उनके बिजनेस को बेहतर तरीके से समझना चाहिए। फिनोलेक्स कंपनी की यह वेबसाइट, और आप उनके बिजनेस को समझ सकते हो यहाँ पर आकर के। ठीक तरीके से ओपन नहीं हुआ है, लेकिन जो भी ओपन हुआ ठीक है, अभी शो कर रहा है इनका प्रोडक्ट क्या है, तो ये देख सकते हो फिनोलेक्स का प्रोडक्ट प्लम्बिंग एंड सनटेंशंस। तो ये प्लम्बिंग वाला जो सारा व्यवस्था है वो है, और ये है एग्रीकल्चर के लिए जो पाइप्स होती हैं वो, जो डार्क
कलर में है वो एग्रीकल्चर वाला है, ये वाइट वाइट ऑरेंज और येलो टाइप का हल्का हल्का कलर है, वो प्लम्बिंग से रिलेटेड है। तो ये प्रोडक्ट है, और भी प्रोडक्ट्स हैं इनके बट अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं। अगर हम लोग आवर रिच की बात करें तो 21,000 प्लस रिटेल टच पॉइंट्स है, 900 प्लस डीलर टच पॉइंट्स है, 42 सालों का एक्सपीरियंस कंपनी के पास, मतलब इतने 42 सालों का ट्रस्ट है, 42 साल से कंपनी कामकाज कर रही है। तो अगर हम लोग बात करें कंपनी के बिजनेस को लेकर के, देखो कंपनी का बिजनेस ऐसा है ना भाई कि मकान बंद होने वाले नहीं है, मकान बनेगा ही बनेगा। जाहिर सी बात, मकान बने तो प्लम्बिंग का काम लगेगा ही लगेगा। तो जाहिर सी बात, इनकी प्रोडक्ट अगर मार्केट लीडर है तो मार्केट में सस्टेंस करेगा। और एग्रीकल्चर का काम कभी बंद होने वाला है क्या? क्या लोग बोर कराना बंद कर देंगे, सिंचाई करना बंद कर देंगे? नहीं ना। तो जब तक ये सब सारी चीज़ें चलेंगी जब तक चलेगा, और हाई ग्रोथ के साथ चलेगा। अभी देखो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, गांव के एरियाज GDA मतलब ये डेवलपमेंट एरिया, मतलब गांव के साइड का जो एरिया हो रहा है आजकल, प्लाटिंग करके लोग बेच रहे हैं, फ्लैटिंग कर रहे हैं, जगह जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो उन सारी जगह जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहाँ वहाँ प्लम्बिंग का काम चलेगा, इतना मान के चलो। जब अगर प्लम्बिंग का काम चलेगा तो इनका बिजनेस ग्रोथ करेगा ही करेगा। अब आते हैं हम लोग फंडामेंटल की तरफ। तो फंडामेंटल क्या है कि देखो स्टॉक वी के हिसाब से ये स्टॉक सस्ते प्राइस में है, सस्ता इन द सेंस सस्ते से थोड़ा सा ऊपर है, तो इसे सस्ता ही बोल सकते हैं, ठीक है, 27 है। डेप टू इक्विटी रेशियो के हिसाब से इस स्टॉक के पास बहुत ज़्यादा कर्ज नहीं है, कर्ज इंक्रीज हो रहा है बट बहुत ज़्यादा कर्ज नहीं है डेप टू इक्विटी रेशियो के हिसाब से। तो डेफिनेटली ऐसे स्टॉक को हम अपने नज़रों में स्टडी पर्पज से बना करके रख सकते हैं, और कंपनी आपको अच्छा खासा डिविडेंड देती है, ये प्लस पॉइंट है। कंपनी के अंदर प्लस पॉइंट ये है कि FIs और DIs दोनों की भर भर की एंट्री हो रही है। 2 सितंबर वाले क्वार्टर में दोनों लोगों ने एंट्री ली। क्यों ली? स्टॉक 200-250 के प्राइस से स्टॉक मिल रहा है 191 रुपये के प्राइस पे, क्रैक्शन जोन में मिल रहा है सस्ते, तो इस वजह से पैसा लगा रहा है। कंपनी डिविडेंड भी आउट करती है तो जो भी पैसा लगाएगा उसको डिविडेंड भी मिलेगा। तो ये सारे रीजन्स हैं, और स्टॉक डिस्काउंट पे मिल रहा है, एक तरह का हम देखें तो सपोर्ट भी है, और नेक्स्ट सपोर्ट हमारा ये है स्ट्रॉन्ग 184 रुपये के प्राइस। अगर हाँ यहाँ पे यही स्टॉक ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो अगर इन सब के लमसम दिखे तो स्टॉक डेफिनेटली अपने नज़रों में लगा के रखा जा सकता है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये स्टॉक ना अगर ऊपर के लेवल्स पे देखोगे आप कितने परसेंट का करेक्शन हो चुका है। एक अच्छे स्टॉक के अंदर करेक्शन होता है ना 30-40% तक का करेक्शन तो होता ही होता है, मतलब मिनिमम 26% का करेक्शन हुआ है, 30% का करेक्शन कहाँ आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। अगर 172 के प्राइस में भी स्टॉक आए तो कोई अब चौंकने वाली बात नहीं है, और इस स्टॉक को अपने नज़रों में रख के रखा जा सकता है करंट प्राइस में भी। और अगर स्टॉक ना नीचे के लेवल्स पर आते तो कुछ ना कुछ क्वांटिटी आपको अपने नज़रों में मतलब कुछ ना कुछ क्वांटिटी नीचे के लेवल से एवरेज करनी चाहिए, जिससे कि हमारी बाइंग प्राइस और भी बेहतर हो पाए। तो इस प्रकार से कुछ कामकाज करके चला जा सकता है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए ये एंट्री करनी चाहिए किसी भी शो के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से बनाया जा रहा है, ना कि बाय और सेल करने के लिए। अगर आप बाय और सेल करते हैं तो आप अपने रिस्क और बाय और सेल करके चल सकते हैं, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर बाय और सेल कर सकते हैं। मिलते दोस्तों।